ऑफ यू, गर्मी के समर कूलर रेसिपीज में हम लोग बात करने वाले हैं आज चिकपी डो के बारे में. मतलब जो छोले होते हैं, जिसका हम लोग छोले भटूरे में जो छोले बनाते हैं, इट्स वेरी वेरी गुड. वो बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा होता है. एंड बाय द वे, समर के लिए एक ही रेसिपी गिना जाता है जहाँ पे ये समर में ताकत देने का काम करता है. तो चलिए आज देखते हैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स रेसिपी, चिकपी डो. बाय द वे, आप सब लोग अगर इसके इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो ये बहुत सिंपल 3 इंग्रेडिएंट से बनाया हुआ है. इसमें ड्राई फ्रूट पाउडर एडेड है. आप लोग इसके छोटे छोटे लड्डू जैसा बना के बच्चे को छोले के लड्डू की तरह सर्व कर सकते हो. बच्चा जब भी शाम को कम खाता है या कभी नहीं खा पाता है, तभी के लिए आप लोग बच्चे को ये 100% दे सकते हो. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिल में आता है कि श्रेया, एग्जैक्टली बच्चा गर्मी के सीजन में कम क्यों खाता है? तो आज पर्टिकुलर रेसिपी के उस तरफ हम आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देंगे कि बच्चे गर्मियों के में कम क्यों खाते हैं और बच्चों को ज़्यादा अच्छे से और न्यूट्रिशियस खाना खिलाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए. चलिए देखते हैं चिकपी डो बनाते कैसे हैं. ए बाय द वे, आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा है कि श्रेया, बच्चे के लिए एग्जैक्टली क्या बनाए हम लोग. ओके, माय द्विजा का यम फूड डायरी 300+ रेसिपीज के साथ आप लोगों के लिए हमने लिखा हुआ है. बाय द वे, इसमें आप लोगों को 30+ सूप्स, पॉरेजेस, पराठा, राइस, चटनी, डिप्स, दाल के आइटम्स, पुलाव के आइटम्स, ट्रैवल आइटम्स, हीलिंग फूड, ऐसे सब कुछ मिलेगा. सो आप में से किसी भी मम्मा को अगर डाउट है बनाना क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ गो फॉर इट. आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा. बाय द वे, दिस इज़ फ्रॉम मदर्स टू मदर. माधुजा के 13 मदर्स ने मिलके इसमें रेसिपीज लिखी हुई है. सो इट कम्स फ्रॉम हार्ट. सो चलिए देखते हैं चिकपी डो या छोले से बना हुआ डो या छोले बेस्ड लड्डू आप लोग कैसे बना सकते हो. नाम कुछ भी हो बट इट्स अ सुपर न्यूट्रिशियस, सुपर हाई डेंस फूड है ये. अब ये डेंस फूड का मतलब क्या होता है, रेसिपी के उस तरफ जाने के चलिए देखते हैं. ये छोले बॉल्स, ये देखो, ये हम लोगों ने जनरल कपकेक पे शेप में रखा हुआ है. आप इसको बॉल्स का भी शेप दे सकते हो. इसके लिए हम लोगों को चाहिए छोले जो पूरी रात भिगोए हुए हैं, हम लोगों को चाहिए जैगरी पाउडर, हम लोगों को चाहिए ड्राई फ्रूट पाउडर. बहुत ईजी 3 इन्ग्रीडियंट के साथ बना हुआ है. अगर आपके बच्चे को सूट होता है तो आप थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हो. सोख छोले में थोड़ा और गर्म पानी डाल के आप लोग कुकर में लगा दो, 3 सीटियाँ ले लो. एक बार आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि छोले बहुत अच्छे से पक गए हैं. फिर छोले में आप गुड़ डाल दो और मिक्सर में उसको बहुत अच्छे से बेंड कर दो. थोड़ा सा थिक पेस्ट बनना चाहिए बिकॉज हम लोग को अल्टीमेटली उसके बॉल्स बनाने हैं. और फिर उसमें आप लोग ड्राई फ्रूट पाउडर, थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर लो और फिर उस कंटेनर को ऐसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दो ताकि वो आटा बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा. कैसा लगा? कोई भी रेसिपी जो भी बनाई जाती है माय दूजा के किचन में तो 2 चीज़ें ध्यान में रखी जाती है. मम्मा के पास बहुत टाइम तो है नहीं, तो इजी और क्विकली रेसिपी कैसे बनाई जा सकती, और दूसरा चीज़ मम्मा का सोचना थोड़ा कम करने के लिए. बिकॉज हर मम्मा बहुत सोचती है मेरे बच्चे ने कितना खाया, कितना न्यूट्रिशन मिला, पेट भरा या नहीं भरा, इतू जगह के क्या होता है बच्चे के लिए. तो यूजुअली माय दूजा के ऊपर हम लोग कोई भी रेसिपी बताते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग कवर करते हैं, दैट मीन्स लेस टाइम अ बेटर रेसिपी, लेस टाइम मोर न्यूट्रिशियस. चलिए आज के रेसिपी का जो क्रक्स है वो समझ के लेते हैं. डेंस रेसिपी क्या होता है? गर्मियों के सीजन में बड़े हो या बच्चे, हम लोग कम खाना खाते हैं. पहली बात, वेदर चेंजेस है. बहुत सारे बच्चों के केस में ये उनके लाइफ का पहला, दूसरा या तीसरा समर है. और अगर हम बड़े बहुत अच्छे से गौर से देख पाते हैं तो गर्मी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, लिटरली छूपती है गर्मी, बहुत पसीना आता है, अनईजी हो जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस इज देयर. सडनली आप एसी में हो, सडनली आप पंखे में हो, सडनली आप लोग धूप में बाहर जाते हो, और ये जो पूरा एक अनईजीनेस का साइकिल है इसको बॉडी रिस्पॉन्ड करता है. अभी बच्चों के केस में बच्चे बहुत सारा बता तो नहीं सकते, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता कि मुझे गर्मी हो रही है, मुझे गर्मी चुभ रही है, मुझे पसीना आ रहा है, मुझे अनईजी हो रहा है, इसीलिए मेरे को खाना नहीं जा रहा है. नो, ये नहीं समझता तो बच्चे अपना खाना नहीं खाते ठीक से. तो ऐसे समय बच्चों को ऐसी चीज़ें खिलाना जो
कम क्वांटिटी में बहुत सारा न्यूट्रिशन देगा, इट्स वेरी वेरी गुड। तो फिर आप लोग बच्चों के लिए डिप्स बना सकते हो, जैसे पालक गार्लिक डिप्स है, जैसे आप लोग बच्चे के लिए पनीर मलाई डिप बना सकते हो, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के डिप्स होते हैं। इनफैक्ट इट्स अ गुड आइडिया, हम लोग एक बच्चों के लिए डिप्स का भी सेक्शन करेंगे, दैट कैन गो रियली गुड। बट अभी के लिए समझ के लो कि बच्चों के लिए जब भी आप कोई भी चीज़ बना सकते हो, अगर वो बहुत अच्छे से कैलोरी डेंस है, मतलब उसमें बहुत प्रॉपर प्रोपोर्शन में न्यूट्रिशन अगर है, सो बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को ग्रोथ ईयर्स में हाई प्रोटीन चाहिए। अभी हाई प्रोटीन के लिए बच्चों को क्या दे सकते हो, पनीर दे सकते हो, क्रीम दे सकते हो, होममेड लोनी या होममेड बटर दे सकते हो, बच्चों को सोई दे सकते हो, सोई खीमा दे सकते हो, चिकन दे सकते हो, अंडा दे सकते हो, फिश दे सकते हो, छोले राजमा ऐसी चीज़ें दे सकते हो। सो यहाँ पे जो छोले चीज़ आती है, इट्स अ वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड आयरन। और ये जो हम लोगों ने छोले का डो या चिकपी डो आपको दिखाया हुआ है, इसका एक छोटा सा बॉल बना के भी अगर आप बच्चों को देते हो, तो कम खा के बच्चों को फीलिंग इफेक्ट और बहुत अच्छा न्यूट्रिशन इस चीज़ से मिल सकता है। सोच क्या रहे हो, चलो छोलों को भिगो, चिकपी डो या छोले बॉल्स आप आपके बच्चों के लिए बनाओ, और छोले बॉल्स बना के आपके बच्चे ने कैसे खाया हम लोग को ज़रूर बताना। जैसे हम लोग बाकी सब चीज़ों के लड्डू सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उसी प्रकार से ये छोले से बने हुए बॉल्स हैं, बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं। पक्का ट्राई करना और हम लोगों को लिख के ज़रूर बताना आपको ये पर्टिकुलर रेसिपी कैसा लगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गर्मी में हम लोग नहीं खाते, बच्चे भी नहीं खाते, इसीलिए बच्चे को समर कूलर्स या समर ड्रिंक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग समर स्पेशल रेसिपीज़ का सीरीज़ कर रहे हैं हर मंडे और थर्सडे। सेलिब्रेशन की सीरीज़ में कल हम लोगों ने माय दूजा यूट्यूब चैनल के ऊपर 100 रेसिपीज़ का कलेक्शन कम्प्लीट किया है अब तक। सो अगर आप में से किसी ने पहले के कुछ रेसिपीज़ मिस किए हो तो ज़रूर जाके एक बार एक्सप्लोर कर देना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम, सी यू, बाय।